चलिए सो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस किया था? तो कह रहे हैं हम लोगों ने किंगडम प्रोटिस्टा शुरू कर दिया था, और प्रोटिस्टा में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? क्राइसोफाइट्स के बारे में पढ़ लिया था, और उसके बाद हम लोगों ने यूग्लिया तक थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बॉट लिखी है, यहाँ एक एग्जाम्पल हम लोग पढ़ रहे थे यूग्लिया। ठीक है, अब यूग्लिना जो है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो क्या है? तो कहेंगे सर ऑटोट्रॉफ। और अगर सनलाइट एब्सेंट है तो क्या है? तो कहेंगे सर हेटरोट्रॉफ। ठीक है, अब इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, अब इनके बारे में कुछ खास बात, मतलब ये सेसाइल होते हैं। कैसे होते हैं ये? क्या होंगे? राउंड। ठीक है, राउंड सेल और टिकलेट। अच्छा, पानी में है, तो पानी में है तो ठीक है, और ये कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, और इसमें क्या और देखा गया है? तो कहेंगे सर पामेला स्टेज। हेडिंग डालिए स्लाइम मोड। स्लाइम मोड क्या है? तो कहेंगे सर ये सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। क्या होते हैं? तो लिखो, ऐसे लिखो सेप्रो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि इनके जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो मल्टी न्यूक्लियेट है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड का जो सबसे पहला एग्जांपल है वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है भैया? मलेरिया जानते हैं? मलेरिया, मलेरिया किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कई सारे स्पीसीज हैं, लाइक कोई एग्जांपल, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम जो है मलेरी ओवेल, सुना है कि नहीं? ठीक है, तो ये क्या कराता है? तो कहेंगे ये जो है, ये तो मुझे पैरासिटिक भी दिख रहा हूँ। कैसा दिख रहा है? पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक भी होते हैं, प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है, पैरासिटिक। अब यहाँ पर लिखा क्या है कि फेवरेबल कंडीशन में स्लाइम मोड जो है वो क्या बनाते हैं? एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। यहाँ लिखो इन फेवरेबल कंडीशन दे एग्रीगेट एंड फॉर्म। फेवरेबल कंडीशन में क्या होते हैं? ये एक पूरा झुंड बनाते हैं, और क्या कहता था उसको? प्लाज्मोडियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, जल्दी लिखिए। हो गया, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, लिखिए अंडर अनफेवरेबल कंडीशन फॉर्म फ्लोटिंग बॉडीज। ठीक है,
these floating body bear spores. ठीक है, क्या हम लोग ने बहुत बार ये चीज़ें पढ़ी हैं। देखो क्या लिखा है, मैच्योर स्पोरेंजियम, मतलब किसकी बात कर रहे हैं, स्पोरोफाइट। और ये क्या होगा, डिप्लॉन्टिक होगा, इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा, स्पोर, क्या होगा, डिप्लॉन्टिक। और स्पोर जर्मिनेट करेगा तो क्या बनाएगा, तो कहेंगे सर आगे चल कर गैमेटोफाइट बनाएगा, और उसके बाद वापस से गैमेटोफाइट में गैमेट बनेगा, गैमेट के बाद वापस से जाइगोट बनेगा, जाइगोट के तुरंत बाद वापस से प्लाज्मोडियम नहीं बनेगा, कुछ बीच में और स्टेजेस होंगी, जैसे फीडिंग प्लाज्मोडियम स्टेज, मैच्योर प्लाज्मोडियम स्टेज, जो फ्रूटिंग बॉडी जिसको कहते हैं, आगे चल करके वही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यंग स्पोरेंजियम में। ठीक है, समझ में आ गया, क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? अभी उतना लिखना है। स्पोर कैसे होते हैं, खाली आप जानते रहिए, स्पोर कैसे होगा तो कहेंगे हैप्लॉइडिक। ये सब इम्पोर्टेंट है बातें। चलो अब यहाँ पर एक बात लिखो स्पोर के बारे में। स्पोर को अगर मैं सीड बोलूँ तो एक ही बात, इनडायरेक्टली सीड बोलूँ तो एक ही बात, deposit two valves and these valves are extremely less resistant. And survive for many years. सीड भी कुछ इस तरीके से ही तो काम करती है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है तभी सीड ग्रो करती है कि कभी भी कर जाती है, फेवरेबल कंडीशन आती है तभी सीड जर्मिनेट करती है। अगर जिसको नहीं विश्वास हो, अगर आप देखिए तो गेहूं या सरसों खेतों में पड़ा रहता है, तो जब हम खेतों की कटाई करते हैं, खेतों में सरसों या गेहूँ की कटाई करते हैं, बहुत सारी सरसों या गेहूँ खेत में गिर जाते हैं, लेकिन पूरी गर्मी पूरी बरसात क्या है तुमको एक भी सरसों का खेत पेड़ दिखता है, लेकिन जैसे जैसे ठंड आने लगती है तुमको अपने आप, अगर खेत में तुम सरसों नहीं हुए तो दो चार सरसों के पेड़ दिखने शुरू हो जाएंगे, पता है। तो क्या हुआ, फेवरेबल कंडीशन में ही ये क्या हुआ, जर्मिनेट। तो लिखा है कि ये किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो लिखो डिस्पर्स्ड बाय, अरे भैया इतना सिंपल है, एयर के थ्रू, एयर। ठीक है, और स्पोर ये लिखा भी है जब यहाँ पर कि ये बहुत ट्रू वॉल है और एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है, तो क्या है, सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, सर्वाइव अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, चाहो तो लिख लो ऐसे। आप इवन फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मैथ्स में कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है, कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया नहीं हो रहा है, आप ऐप के सेक्शन में जाइए अपनी बैच में, वहाँ पे चैट सेक्शन है, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, वहीं कैमरा भी है, वहीं पीडीएफ भी अपलोड कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और डालिए आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा वहाँ पे, सबसे अच्छा है, कोई बहुत हेडेक की बात नहीं है, और वो हमेशा आपके पास रहेगा, यहाँ पे भी हमेशा डेटा में रहेगा और आपके पास भी रहेगा। तो कहेंगे प्रोटोजोआस कैसे होते हैं, तो कहेंगे सबसे पहले हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, अब एग्जांपल क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, बहुत सुना होगा, क्या कराता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, अमीबिक डिसेंट्री सुना होगा, सुना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर लिखा है क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम, तो ये क्या कराता है, तो कहेंगे क्राइटोस्पोरोडियासिस कॉज कराता है, एक बीमारी होती है स्लीपिंग सिकनेस, और ये कौन कराता है, ट्रिपैनोसोमा, कौन कराता है, ट्रिपैनोसोमा, एक बीमारी होती है गियार्डियासिस, इसको कराता है गियार्डिया लेम्बिया,
इसी के तरह एक बीमारी होती है मलेरिया, जिसको अगर आता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम या प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम एवेल, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मलेरिया, लीशमानिया, तो यहाँ पर एक बीमारी होती है लीशमानियासिस। एक भी ये तो बहुत सुना होगा, टॉक्सोप्लाज्मोसियासिस, ये किसके थ्रू होता है, टॉक्सोप्लाज्मा। तो आपके जो सिलेबस में है इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए प्लाज्मोडियम, ये क्या कॉज कराता है, मलेरिया, जो आपके सिलेबस में है। एंटामीबा, हिस्टोमीटिका, ये क्या कॉज कराता है, अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है, ठीक है, तो हेटरोट्रॉफ है भैया, तो किस कैटेगरी में आते हैं, या तो प्रेडेटर या तो पैरासाइट, और ये भी उनको कहा जाता है कि भैया ये एनिमल के जो है सक्सेसर है, या आप कह सकते हैं प्रीसीडर्स है। तो दे आर प्रिमिटिव ऑफ एनिमल, और जाहिर सी बात है एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, तो इनमें भी सेल वॉल नहीं होगी, साइटोप्लाज्मा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। केवल इतनी ही बात आपके काम की है, ठीक है। एनिमल की बॉडी में सेल वॉल होती है क्या, इससे प्रिमिटिव हो गए। तो मैं आगे, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, देखते जाओ डायग्राम भी देखो, मजा आएगा। देखो ये है प्रोटोजोआ की सबसे पहली कैटेगरी, दैट इज एमीबॉइड प्रोटोजोआंस। दूसरी होती है आपकी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस, इनमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, तो ये मोशन करेगा। ऊपर वाले में फ्लैजिला नहीं है तो वो पानी के सहारे ही मूव करता है, या स्यूडोपोडिया की मदद से। तीसरा है सीनिएटेड प्रोटोजोआ, दिख रहा है, और जो चौथा है वो क्या है, तो कहेंगे स्पोरोजोआंस। क्या है, स्पोरोजोआंस, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है क्या, प्लाज्मोडियम, नोट करिए। चलिए यहाँ हेडिंग डालिए अमीबॉइड प्रोटोजोआ, तो कहाँ पर होता है, तो इनका सबसे पहले लिखा जाता है हैबिटेट। लिखने का तरीका सीखो, हैबिटेट क्या है, या तो ये फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल, ठीक है। इनके पास होता है भैया स्यूडोपोडिया, इसको कहते हैं या तो ये फॉल्स फीट की तरह काम करता है, या तो ये हेल्प करता है इन कैप्चर प्रे, हेल्प टू कैप्चर प्रे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर बना लो, इनके पास कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल होता है, ये सब मुझे लगता है आपको आता है, बहुत पढ़ा होगा, बचपना ही अमीबा में बीता। लिखो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, तो या तो ये पैरासिटिक होगा, या तो ये फ्री लिविंग होगा। अच्छा पैरासिटिक होगा तो भैया ये डिजीज कॉज करेगा, इसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा, और ये कौन सी बीमारी कॉज कराता है, स्लीपिंग सिकनेस, बार बार नींद आती है, ठीक है, हमेशा नींद लग रही होती है। तो यहाँ पर एक बात लिखिए सीलिएटेड प्रोटोजोआ, नहीं ना, और जब मैं बात करता हूँ सीलिएटेड प्रोटोजोआ की, तो सीलिएटेड प्रोटोजोआ का जो पहली बात तो हैबिटेट है वो है पानी में, और यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट है, देखो ये सारे सीलिया, तो ये सारे के सारे सीरियास, जैसे अपने कभी ये वाली नाव वाली वजह देखिए, जिसमें इतनी ऐसे नाव होती है, यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, और ये जो ऐसे होता है ना, ये जो पतवार है, ये सबके सब एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में मूव कराते हैं ना, तब वो चीज़ें एक तरफ किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाती है। इसी तरीके से इतने सारे सीरियास हैं, सारे सीरियास जो है ये एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराते हैं, तो किसी एक डायरेक्शन में ही चलना है, इसी कहते हैं कि ये सीरिया होते हैं, इसलिए एक्टिवली मूवमेंट पॉसिबल है, और ये मूवमेंट कैसी है, कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट है। और
इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं गलेट। गलेट क्या होता है, सेल की सरफेस में खुलता है, एक तरीके से इनडायरेक्टली हम इसको माउथ कंसिडर कर सकते हैं। और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पैरामेशी। चलिए सबसे लास्ट है स्पोरोज़ोआन्स। स्पोरोज़ोआन्स में क्या कहेंगे, कहेंगे सर इनके पास ये हाईली इन्फेक्शियस होते हैं, पहली बात ठीक है, इन्फेक्शियस स्पोर्स होते हैं। और एग्जांपल है इसका, तो कैसी बात है, पैरासिटिक होंगे क्या। जब मैं पैरासिटिक बोलूँ तो हेटरोट्रॉफ तो आपको अपने आप समझ जाना चाहिए। इसके एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, बस पूरा डेडिकेटेड चैप्टर इसमें मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन एंड डिजीज। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर मच्छर ने हमको दिया क्या, मच्छर ने हमको क्या दिया, तो कहेंगे सर मच्छर ने हमको स्पोरोज़ोइट दिया। और मच्छर ने हमसे लिया क्या, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया ने हमसे लिया क्या, दुनिया की परवाह क्यों करें हैं, हम दुनिया की परवाह करें क्यों, ऐसे ही कुछ गाना है बहुत अच्छा है, दम मारो दम करके, पहले बहुत फेमस हुआ। आप लोग नहीं सुने होंगे, आप लोग तो बादशाह सुनते हैं। याद करने का तरीका है, मच्छर ने हमको दिया क्या, स्पोरोज़ोइट, मच्छर ने हमसे लिया क्या, गैमेटोसाइट, हम मच्छर की परवाह करें क्यों, मार देते हम लोग मच्छर, मारते ही हैं। तो यहाँ पर ये समझिए कि हमने तो क्या बात समझिए कि जो स्पोरो जो है जॉइट, जो स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल है वो हमारी बॉडी में होता है। और हमारी बॉडी में स्पोरोफाइट किसमें कन्वर्ट होते हैं, गैमेटोसाइट। तो गैमेटोसिटिक लाइफ साइकिल, गैमेट आगे चल के फर्टिल है, तो एसेक्सुअल, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल हमारी बॉडी में होता है। और सेक्सुअल लाइफ साइकिल कहाँ पे होता है, मच्छर के बॉडी में होता है, ठीक है। और यहाँ पे मजा कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम, कौन कर रहा है, प्लाज्मोडियम। और यहाँ पर एक चीज और जानने की बात है कि मच्छर की बॉडी में, मतलब उसके स्टमक के, इसके सलाइवा में, ये अपनी सेक्सुअल लाइफ साइकिल कर रहा है, सेक्सुअल लाइफ साइकिल कर रहा है। यहाँ से दोनों गैमेटोसाइट जाते हैं, मेल और फीमेल गैमेट हमारे बॉडीज जाते हैं, वहाँ पर रिप्रोड्यूस करते हैं, और फिर वहाँ पे क्या बनाते हैं, स्पोरोज़ोइट। और वो स्पोरोज़ोइट आते हैं हमारी बॉडी में, कौन कौन सी लाइफ साइकिल चलाते हैं, प्री रेट्रोसाइटिक, जिसमें हमारे लीवर को डैमेज करते हैं, दूसरा होता है एक हमारे लीवर में होती है, एक हमारे आरबीसी पे अटैक करते हैं, तो हमारी एक होती है इराइथ्रोसिटिक साइकिल। तो कौन कौन सी लाइफ साइकिल हो गई, तो कहेंगे सर प्री इराइथ्रोसिटिक, इराइथ्रोसिटिक और हेपेटिक लाइफ साइकिल। तो प्री इराइथ्रोसिटिक में वो फिर ब्रेक करते हैं, मतलब हमारे लीवर की सेल को भी डैमेज करते हैं और हमारी आरबीसी को भी डैमेज करते हैं। इसीलिए जिन भी मरीज को मलेरिया होता है, डॉक्टर सबसे पहले उसका राइट साइड में पेट ऐसे देखता है, ऐसे दबा दबा के देखता है। आपका जो लिवर है वो आप यहाँ पे आपका चेस्ट है ना, चेस्ट के अंदर है, आप अभी भी अपना टच करोगे यहाँ पर पेट एकदम सॉफ्ट दिखेगा। लेकिन किसी को मलेरिया या टाइफाइड होगा तो उसका लिवर में क्या होगा, लिवर की सेल मरने लगेंगी, तो लिवर अपने आप को बचाने के लिए अपना साइज बढ़ाएगा, मतलब अपने अंदर सेल डिवीजन बढ़ाएगा। जब सेल डिवीजन बढ़ाएगा तो लिवर का साइज बढ़ेगा, तो लिवर कहाँ से निकल के आएगा, चेस्ट से निकल के नीचे के राइट साइड में आपके पेट के आसपास आएगा। तो जब डॉक्टर उसको परकशन करता है, दबा के देखता है, तो वहाँ पर सॉलिड फील होता है उसको, तो वो बताता है कि भैया हेपेटोमिगेली के सिम्टम है, जाकर के मलेरिया की या टाइफाइड की जांच कराओ। इस तरफ क्योंकि लीवर की सेल डैमेज हो रही है तो लीवर का साइज बढ़ रहा है, लेकिन अभी जो ब्लड डैमेज हो रहा है उसको कहाँ जाता है, तो कोई भी ब्लड सेल अगर मरती है तो वो ब्लड सेल जाती है स्प्लीन में, और स्प्लीन की साइड है तो कहेंगे सर लेफ्ट साइड में, और है कहाँ, चेस्ट के अंदर, चेस्ट के जस्ट नीचे, ठीक है, डायफ्राम एरिया के पास में। अब जब आपकी बॉडी में बहुत सारी आरबीसी मरेगी तो कब्रिस्तान को बड़ा करना पड़ेगा, जब बहुत सारी डेथ होगी तो कब्रिस्तान का साइज बढ़ाना होगा कि उतने में ही होगा, बढ़ाएंगे ना, तो इसी को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो स्प्लीन का साइज बढ़ने लगता है, तो स्प्लीन का साइज बढ़ने लगता है तो डॉक्टर इस तरफ दबा दबा से देखता है, तो कहता है कि भैया अरे यहाँ पर जो है इनका जो है टाइफाइड और मलेरिया चेक कराओ। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ जनरली हेपेटो में जाएगी और स्प्लीनो में जाएगी, कहाँ देखने को मिलता है, तो टाइफाइड और मलेरिया का एक सिम्टम है। और ये जब आदमी को एनीमिक हो जाएगा, उसको दिखने लगेगा, कमज़ोर हो जाएगा, पता चलेगा, ठीक है। और आपकी जो अभी 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 आपका पेट खाली है, अभी सही है, तो अभी अगर आपके, इसको कहते हैं परकशन, परकशन का मतलब होता है डॉक्टर कभी कभी देखो स्टेथो लगा करके आपके पेट पर ऐसे ठक 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 कर रहा होता है, और ऐसे करके ऐसे दबा रहा होता है, ये दबा के वो फील करता है कि अंदर कुछ सॉलिड तो नहीं है,
वो लिवर या स्प्लीन को देख रहा होता है, और जब ये ठक ठक कर रहा अभी खाली है तो कैसी है, हॉलो, कोई भी चीज़ हॉलो है तो ऐसी आवाज़ आएगी, जब सॉलिड होगी तो आवाज़ डल हो जाती है, बात समझ में आ रहे। तो इससे डॉक्टर बता करते हैं भैया कुछ है कि नहीं है, यदि डाल ये फंजा है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।